हेलो गाइस, टेक टेल्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी विंडोज पीसी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है आपकी पिक्चर को कैसे क्रॉप करते हैं, कोई भी शेप में, सर्कल में या फिर कोई अदर शेप में। अगर आपको इसको क्रॉप करना है तो आप इजिली उसको कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो है आपकी पीसी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। ओपन करने के बाद जो भी आपकी इमेज रहती है वो यहाँ पे आपको जो है कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे एक इमेज है, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे इसको जो है पेस्ट करूंगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप अपनी इमेज पे राइट क्लिक कीजिए इस तरीके से। राइट क्लिक करने के बाद यहीं पे आपको जो है क्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप इजीली उसको जो है क्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको ये इमेज को जो है अदर स्टाइल में क्रॉप करना चाह रहे हैं, इसके शेप्स वगैरह में, तो स्टाइल में जाइए। यहाँ पे आपको जो है अलग अलग स्टाइल शेप्स जो है मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपना जो भी स्टाइल वगैरह है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्कल भी है, राउंड शेप भी है। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको और भी ऑप्शंस चाहिए तो आप अपने इमेज पे डबल क्लिक कीजिए इस तरीके से। डबल क्लिक करने के बाद आपके टूल बार मेन्यू में यहाँ पे भी आपको जो है क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा। इसको एक्सटेंड कीजिए, क्रॉप शेप्स में जाइए, यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे शेप्स जो है मिल जाएंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप इसको जो है एस्पेक्ट रेशियो में क्रॉप करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें से कोई भी एक एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट कीजिए, उसके हिसाब से वो क्रॉप हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। तो ये यूनिक मेथड्स है, आप अपने इमेज को जो है क्रॉप कर सकते हैं कोई भी एक शेप में, ठीक है। तो बस दोस्तों, ज्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग डेली वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।